ज्ञान की कड़वी सच्ची और अनमोल बातें। नंबर एक, जिंदगी की राह में पति पत्नी को एक दूसरे का हाथ थाम कर ऐसे सफर करना चाहिए कि कभी भी एक इंसान ठोकर से गिरने लगे तो दूसरा सही वक्त पर थाम ले। नंबर दो, किसी के बहकावे में मत आना बहन। कल को कोई कह देगा जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी। नंबर तीन, पापा कभी डांटे तो सर झुका लेना, पर कभी उनकी आंखें मत दिखाना। जिस बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया उसको जीने का तरीका मत सिखाना। नंबर चार, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल होता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। नंबर पांच, लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं तू बोलता क्यों नहीं। नंबर छह, विधाता और अदालत में वकालत बड़ी यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। नंबर सात, जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देगा। नंबर आठ, आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, भूख भी आपको ही होगी। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। नंबर नौ, लोगों की मत सुना करो। लोग तो कहते हैं कि पूनम उजली है और अमावस काली है, फिर भी पूनम को होली है और अमावस को दिवाली है। नंबर दस, खामोशी की तह में छुपा लीजिए अपनी सारी उलझने। शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। नंबर ग्यारह, प्रत्येक स्थान और समय बोलना बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रहकर जाना बुरी बात नहीं। नंबर 12, बेटियों के मामले में ससुराल वालों की सोच मॉडर्न हो जाती है और बहू के मामले में 50 साल पहले के हिसाब से चलते हैं। नंबर 13, ऐसा मर्द औरत की जिंदगी बर्बाद कर देता है जो न साथ रहना चाहता है और न छोड़ना चाहता है। नंबर 14, साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां उसे पर्सनल पार्लर में दोबारा नहीं जाती जहां उनके बाल एक बार खराब हो गए हों, लेकिन वह उस लड़के के पास बार बार जाएंगी जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। नंबर 15, अगर इश्क है तो लड़ो, छीनो, समाज से बगावत करनी पड़े तो करो। तजुर्बे से कहता हूँ, सब्र से फल मिलता है, पसंदीदा इंसान नहीं। नंबर 16, मर्द कभी मजबूर नहीं होता अगर वह औरत से सच्ची मोहब्बत कर दे तो, वह उसे किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ सकता। नंबर 17, स्त्री की मोहब्बत का तब पता चलता है जब पुरुष के पास कुछ ना हो। नंबर 18, मोहब्बत में भीख मांगने का दुख और मांग कर भी ना मिले उसका दुख एक लड़की से बेहतर कौन जानता है। नंबर 19, सच्ची मोहब्बत करने वाली औरत पति की नजरों में बुरी बन सकती है, लेकिन अपने पति को कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाने दे सकती। नंबर 20, औरत का एक असूल होता है, वह जल्दी किसी पर एतबार नहीं करती, मगर अपने पसंदीदा शख्स के लिए वह यह असूल भी भूल जाती है। नंबर 21, जिस पेड़ को आपने लगाया है उसका फल चखने के लिए भी तैयार रहिए, अर्थात जो व्यवहार आप दूसरों के साथ कर रहे हैं अगर वैसा ही व्यवहार आपके साथ हो तो उसे सहने के लिए भी तैयार रहिए, और अगर सहन ना हो पाए तो करना छोड़ दीजिए, फिर चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या अन्य कोई रिश्ता। शब्दों के बाद इंसान को गहरे भेद होते हैं। नंबर 22, पुरुष सिर्फ उस स्त्री के समक्ष हार जाता है जिससे वह
निस्वार्थ प्रेम करता है। नंबर 23, कुछ पिस गए कुछ पिस रहे हैं, कुछ पीसे जाने हैं, जिंदगी के सिलबट्टे में यह दुख सुख के दाने हैं। नंबर 24, जिस लड़की का मायका मजबूत होता है उसकी ससुराल वाले प्रताड़ित करने से डरते हैं। नंबर 25, बारिश में सड़क अच्छी हो तो गाड़ी अच्छे से निकल जाती है और जिंदगी में हम सफर अच्छा हो तो जिंदगी सुकून से निकल जाती है। नंबर 26, ससुराल में बहू को खुश करने वाले भले ही ना हो पर बहू को रुलाने में ससुराल के हर एक सदस्य का योगदान रहता है। नंबर 27, अपनी तीन चीजें कभी किसी को ना बताएं, कमजोरी दुख सुकून, अगर लोग जाने के बाद इन्हीं तीन चीजों से आपका फायदा उठाते हैं। नंबर 28, अच्छे पति को यह पांच काम कभी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, पत्नी के मायके वालों को गाली देना। नंबर 2, पत्नी के शारीरिक बदलाव का मजाक बनाना। नंबर 3, अपनी पत्नी के अपना मोबाइल छुपा कर रखना। नंबर 4, पत्नी के सामने अपनी महिला दोस्त की कभी तारीफ करना या तुलना करना। नंबर 5, घर वालों के सामने पत्नी को बेइज्जत करना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।